एवरीवन, तो आप मामी का नाटक ना बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब ओवर ही हो चुका है। आप सब कह रहे हो कि मामी बाल कटवाओ, लेकिन मामी कटवा नहीं रही है। तो हमने सोचा है कि हम खुद ही कटवा लेंगे मामी के बाल, उन्हें लेके जाएंगे। हमने ब्यूटी पार्लर वाले को तो फ़ोन कर दिया और उसे बोल दिया, अब मामी को लेके जाना है। और मामी को कैसे लेके जाना है वो हमें पता है, हम ले जाएंगे अपने। हाय मामी, तो चलो सरप्राइज है। पहले बताओ सरप्राइज है, क्या है बाजार में? चलो तो सही, कहाँ पे पहले मेरे को बताओ। पहले गेट पे चलो ना, मैं तो जा पहले गेट पे चलो, मैं नहीं जा रही हूँ। पहले गेट पे चलो, पहले गेट पे चलो ना मामी, नाटक मत करो। देखो मैं ना, मैं ये सारा जोड़ूंगी, अब आप देख लो कितना ही बोल लो, हम लेके जा रहे तो आपको चलना चाहिए। आप हमें लेके जाते हो, हम पूछते हैं। आपने मेरी पियर्सिंग कराई थी किसी से? पूछी थी आपने पियर्सिंग कराई थी? पूछी थी किसी से? दोबारा कराऊंगा जब पूछूंगी। मेरा हाथ तो छोड़ दे मैडम। अरे आपको बता दे यार, पैसे ले लिए हनी तूने? हनी तूने पैसे ले लिए? मामी आप हमको ना आपकी एनिवर्सरी का गिफ्ट, आपकी एनिवर्सरी का गिफ्ट है। बताइए मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? क्या कटवाने? बाल कटवाने। चोरी इस बच्चे को ही पता है। सुन ब्यूटी पार्लर वाली नहीं मिली तो हमने बात कर रखी है। तो आज इन लड़कियों ने मेरे बाल कटवाने का ठेका ले लिया, तो आज तो कट ही जाएंगे। ठेका लिया, अब ठेके को उठा रहे। कौन हो? कौन है तू? चल ये आ गया ब्यूटी पार्लर। हनी जा रही है सबसे पहले, मुझे तो पीछे छोड़ दिया यार। और अब मैं बैठ गई हूँ चेयर पे बाल कटवाने। अब कोई ऑप्शन नहीं है कि बाल ना कटे, अब तो बाल कट के ही रहेंगे। लाइट की आज हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रखी थी, लाइट गई हुई थी, तो यहाँ पे थोड़ी लाइटनिंग की प्रॉब्लम मिलेगी। और अब ये बाल हो गए गिल्ले। कैसा लग रहा है आपको बाल कटाते हुए? और फिर मैंने दीदी को बोल दिया कि हमारी बॉब कट कटिंग कर दो, और उन्होंने कहा ठीक है मैं अपने हिसाब से करूँगी। मैंने कहा ठीक है चलो आप जैसे अच्छा लगे वैसे कर दो। तो अब वो फटाफट मेरी अब कटिंग कर देंगी। ब्यूटी पार्लर में और कोई थे नहीं, हम अकेले ही थे, तो थोड़ी अच्छी बात ये हो गई कि हमारी वीडियो अच्छे से शूट हो गई। कोई और बैठा होता कस्टमर तब वो है ना ऑब्जेक्शन कर देता है वीडियो बनाने के चक्कर में। गए मेरे तो बाल गए। दीदी जैसे जैसे कैची चला रही थी उस हिसाब से ना मेरी धड़कने चल रही थी, क्योंकि ना बाल एक लेडीज के लिए ना उसकी सबसे अच्छा गॉड गिफ्टेड गहना होता है। ठीक है नहीं और छोटे मुझे लग रहा है। मछली बन जाओ है। फिर कुंजी काने ने कहा कि नहीं और छोटे कर दो, फिर दीदी ने ना थोड़े थोड़े बाल और काट दिए मेरे, और काफी छोटे बाल हो चुके हैं अब तो। कैसा है मम्मी का मुंह? मछली जैसा ना? मछली जैसा? मछली कैसे मुंह? अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा होगा। चलो बस चले तो तुम्हारी। फिर वो वाली बात है ना, एज के हिसाब से वो सही कह रही है। अच्छा हमारा मुँह अच्छा है ना?
देख कितने छोटे हो गए, बॉय कट हो गए, देख अच्छे मिले, बॉब कट हो गए, छोड़े आप इसे छोटे करो बेबी। देख मम्मी एक बात बोलूं, ये ऐसे ना देख सही है, बिल्कुल सही है, मस्त है, छोटे हो गए ठीक है, ये कटने के बाद फिर कुछ नहीं रहेगा। देखो कितने सारे बाल हैं, मुझे लेना था, नहीं ले वो, नहीं ले सकते तो फिर कौन ले, बस कुछ और लेना है तो ले लो, क्लिप क्लिप कुछ लेना होता सो क्या लेगा, रबर बैंड, रबर बैंड तो ले तो लिया, ऐसे वाला ये स्टाइलिश स्टाइलिश छोड़ दो, स्कूल में भी नहीं चलते मामा, मुझे भूख लग रही है। और हम शॉपिंग करके हेयर कट करा के अब हम पैसे पे करके अब चले घर पर, हमारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं। ओह माय गॉड मामी कितने बाल है, देखो देखो ऐसे मामी, देखा सेल्फी लेने के खुशी में खिला दो ना, हाय मैंने मारा किस खुशी, मारेंगे मेरे ओए क्यों कौन मारा, देख 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 फंसा दिया मेरे, कौन मना रहा है आपको सेलिब्रिटी, मुझे उन लोगों का नाम बताओ, आपसे तेज तो मैं चल रही हूँ जबकि पीछे मुंह करके चल रही हूँ। मेरी मैम को दिखाओ अपना हेयर कट, मैंने कमेंट में देखा था ये सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इनको, हां कि बॉब कट यानी कटवा के आई है, कैसे लगा मैम आपको, सही है सही है, अरे बुजी मामी भविष्यवाणी कर रही है ना मामी, ले आ यार चल मैं क्यों जाऊं, मम्मी आप बताना कि है ना मामी कैसी लग रही है, मतलब पहले से कैसी लग रही है बताओ, ठीक है अच्छा मुड़ के दिखा दो, पीछे से अच्छा लग रहा है आगे से अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, अब भूतनी बन जाऊंगी लाते लाते दो, बस बस छोटा सा सीन लेना, देखो अब मैंने ना मामी का हेयर कट करवा दिया, देखो अब मैंने मैंने आप लोगों की बात मानी है, तो अब आप भी मेरी बात मानना कि आप मामी का अब दोबारा मत बोलना और हेयर कट कराने के लिए, मामी ने एक बार रोने भी लग गई थी उस वो वाली हमने शूट नहीं करी क्योंकि मामी अच्छी नहीं लग रही थी, और अब मेरी मामी अभी पूरा, और अब हम नेक्स्ट हेयर कट करेंगे हनी का, उसके बाद हमारे पास कोई इंसान नहीं बचा, हम उसके बाद पहले हम हनी का ही कर पुट्टू का, हम पुट्टू को गंजा करा देंगे, हाँ गंजा करा देंगे, उसको स्कूल में अलाउ नहीं है गंजा, तो पहले ना हम हनी का हेयर कट कराएंगे, एक दो दिन में उसका भी ब्लॉग आ जाएगा, और आज मामी का ब्लॉग आ रहा है, आज हमने शूट किया और आज ही हम डाल देंगे क्योंकि आप लोगों ने बोला था, अब वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही रखा, थैंक यू बाय।